Hello friends, welcome to your own YouTube channel जिसका नाम है Curative Homeopathy, जिसके ज़रिए हम हासिल करना चाह रहे हैं आप हम सब मिलकर Health for All by 2030, आम बीमारियों में होम्योपैथी को किस तरह से देश के कोने कोने हर घर तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम आपका साथ चाहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिसमेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस। बहुत सारी औरतों को ये आम प्रॉब्लम है कि महामारी के वक्त में पहले में या दरमियान में उन्हें बहुत शिद्दत का दर्द होता है, कभी बच्चे बोलते हैं कभी नहीं बोल पाते हैं, औरतें तो अपने आप में सहन करती हैं, लेकिन ये महीनों हर महीने महीने सहना लंबे अरसे तक चला आता है। टेम्परेरी तौर के ऊपर कुछ दवाई ले लिया पेट के दर्द की और उसके बाद में फिर कम हो गया, इस तरह से पूरा दो दिन ये इस तरह से काम चलाती है, हफ्ते जब तक के महीना चलता है दवाई के ऊपर रहती है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आसानी से साधारण होम्योपैथी दवाइयों से इलाज हो सकता है। दो किस्म के होते हैं ये, एक तो होता प्राइमरी, एक तो होता सेकेंडरी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्राइमरी की है, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर उसमें वजह और भी हो सकते हैं। प्राइमरी वो है जो बजाते खुद महीने में कुछ वजह से तकलीफ होती है, सेकेंडरी वो होती है जिसके पीछे कोई बुनियादी वजह होती है, मिसाल तौर के ऊपर एडिनोमायोसिस या आप बोलिए एक बीमारी होती है औरतों की एंडोमेट्रोसिस, ये जो बीमारी हो या कोई लंप उसमें जिसे हम कहते हैं कि रसूली हम जो कहते हैं उसके वजह से भी हो सकती है। हम जो इससे हटकर बात करें जो आमतौर पर जो होती है उनमें कुछ खास दवाइयाँ उसके लक्षण में बताता हूँ। सबसे पहले टॉप की जो दवाई है उसका नाम है सीमिसी फूगा के अलामत जो होते हैं वो उन किस्म की औरतों में जिनको साथ साथ पर जोड़ों की शिकायत रहती है, उनके जो महीने का जो दर्द होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से पीछे, फिर इस किस्म के दर्द होता है। इन औरतों को ख़ास तौर पर महीना आने के पहले एक शिकायत जो होती है वो सर दर्द की। अगर इस किस्म की अलामतें अगर किसी औरत पर पाई जाती है और उसको ये शिकायत होती है कि मतलब माहवारी में दर्द होता है, तो ना ही सिर्फ उसकी माहवारी के दर्द जड़ से निकल जा सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन साथ साथ में उसकी जो जॉइंट की जो पेन्स हैं और बाकी जो दूसरी शिकायत भी जो है जो सीमिसिफुगा कवर कर सकती है, हेडेक वगैरह का जो, वो सब भी जा सकती है और अच्छी सेहत हासिल कर सकती है। दूसरी एक जो दवाई है उसका नाम है कोलोफाइलम। वो दवाई जहाँ पे पेट के नीचे मतलब खींचा जाता है, जो दर्द नीचे की तरफ में आता है और लगता है कि बाहर आ जाएगा, कि थैली मतलब वीक हो गई, इस किस्म से अगर दर्द होता है महामारी में तो कोलोफाइलम का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तीसरी एक दवाई खास है जो पल्सेटिला, मैंने आपको पल्सेटिला पहले भी बताया था, दूध नहीं आने के उसके अंदर। तो अगर ऐसी औरतें जो मतलब बहुत बार बार के ऊपर दर्द बर्दाश्त करते रोना शुरू कर देती हैं, डिप्रेस रहती हैं, वीपी टाइप की होती है, उनका जो माहवारी जो आता है वो डार्क कलर का होता है, उनकी जो माहवारी ऐसी आती है फिट्स में आती आता है, ब्लीडिंग होता है रुकता है, ब्लीडिंग होता है रुकता है, इस किस्म की अगर फिट्स के अंदर अगर माहवारी आती है और साथ साथ में पेन अगर होता है तो उसके लिए पल्सेटिला बहुत सूटेबल है। अगर इसके साथ में अगर कोई औरत को जोड़ों की शिकायत है या पेट की शिकायत है या सर्दी खांसी की शिकायत है तो ये भी साथ में पल्सेटिला से हल हो सकती है। एक और जो दवाई जो है जिसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ वो है मैकफॉस और कोलोसिंथेसिस। ये दो दवाइयाँ ऐसी है कि अगर शिद्दत का दर्द हो और गर्म पानी से अगर सेक करने से आराम मिलता है तो ये दवाइयाँ फ़ौरन आपको पेट के दर्द में आराम दे सकती हैं। बेलोडोना एक दवाई ऐसी है जिस जो शिद्दत से अचानक दर्द आता है, अचानक जाता है और दर्द के मारे चीखती है औरत, शिद्दत का पेन होता है, एक सेकंड का होता है लेकिन वो जान निकाल देती है, ज़रा सा टच करने से भी ज़्यादा होता है, झटका लगेगा ज़्यादा होता है। अगर महामारी के अंदर इस किस्म की अलामतें आती है तो बेलोडोना आपको तीर की तरह काम करेगी, जादू की तरह काम करेगी। हमारा ये उद्देश्य है कि होम्योपैथी का ये जो जादू है आप खुद एक्सपीरियंस करें। हमने 32 साल से हमारे दवाखाने में एक्सपीरियंस किया कि लोग कहते हैं क्या जादू वाली दवा दी, तो हम वो जादू वाली दवा आप तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे इस क्यूरेटिव होम्योपैथी का जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप भी इसका फ़ायदा उठाएँ और ये शेयर करके, हमारा जो चैनल शेयर करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हेल्थ फॉर ऑल बाई 2030 वो हम कामयाबी के साथ में हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।